दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने अपने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राहत दी। कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वो इस समय अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है और साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं। दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। ईडी ने अपने नेता मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते हुए गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए। इसमें सिसोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई क्योंकि उनके पास की आबकारी विभाग का प्रभार भी था। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने बताया था कि ये नीति अब वापस ली गई जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब की दुकानों को निषेध क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी थी, इसके कारण नुकसान हुआ था। उन्होंने दावा किया कि 10 साल के लिए लागू पहले की नीति के तहत ऐसे इलाकों में दुकान खोली गई थी। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने दावा किया कि आरोपियों के गलत कारनामों का खुलासा होने के कारण ये नीति वापस ली गई।